हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। आज की क्लास के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, जबकि मैंने आपको एक चीज छुड़वाई है। मैं आपको बता देता हूँ क्या छोड़ रखा है। मैंने छोड़ रखा है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। इन दोनों में डिफरेंस है जो कि हमारी बुक में दे रखा है। इन लास्ट में आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना इस चीज, लास्ट में आपको पढ़ा दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और हमारे का मैंने आपको कहा था कि मेरे को ज्वाइंट वेंचर समझाने का तरीका अलग होगा। मैं आपको पहले फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं पहले पहले क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा। तो एक डिफरेंट तरीका हम यूज करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग के अंदर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया, अकाउंट की स्पेलिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने कहा था भाई ये ज्वाइंट वेंचर बनाने के तीन वे है, तीन तरीके है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस अकाउंट बिजनेस में अगर अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है उसके तीन तरीके है। पहला एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, एंड नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, एंड मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। यही तीन खत्म होते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज मैं आपको पहला अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन। एंड डालेंगे आज की क्लास का एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट BOA लिख रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट BOA इज मेंटेन्ड। तो उस केस के अंदर हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट अपने करेंगे। दोस्तों मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, पहले वो चार्ट आप देख लीजिएगा कैसे उतारना है, उसके बाद आप उतारना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैंने भाई ये करा ऐसे, तीन अकाउंट इसके अंदर मेनली जो मेंटेन होते हैं वो तीन अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट का नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या नाम है भाई? जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहला अकाउंट का नाम क्या है मेरे दोस्त? जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट का नाम क्या है? दूसरा अकाउंट का नाम आपके पास जॉइंट बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट का नाम क्या है? जॉइंट बैंक अकाउंट। और तीसरे आपका नाम है कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। याद है हम कोवेंचर बोलते हैं, कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। तीन अकाउंट जो आपके मेंटेन करने पड़ेंगे इसमें, पहली बुक के अंदर। कौन सी बुक बना रहे हैं? सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, मतलब जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है। अभी क्या होती है सर? सीखेंगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले तो भी मैं लिख देता हूँ उनके बारे में कुछ, इनका नेचर कैसा है, क्योंकि हमसे क्यों पूछ लेता है नेचर कैसा है भाई। चलो इसके बारे में पहले डिटेल में थोड़ा लिखते हैं, आप उतार सकते हो, मैं इसके नीचे डिटेल में लिखने वाला हूँ, आप उतार सकते हो साथ के साथ। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है देखेंगे। इट जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट, जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट। एक तरीके का पीएनएल अकाउंट होता है। दूसरा, इट्स नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल इन नेचर कैसा नेचर होता है? नॉमिनल इज नॉमिनल इन नेचर का मतलब ही क्या हो गया? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और इसका जो नेट रिजल्ट होगा बताओ क्या होगा? द नेट रिजल्ट आइदर प्रॉफिट और दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट एक तरीके का पीएनएल अकाउंट है, जिसके अंदर डेबिट साइड में खर्चे जाएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम जाएगी। बस ये समझ लो आप। और जैसे आपने ये समझा, बस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाई है। और मैंने आपको बोला था इससे पहले ही पढ़ना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया तो आपको पता है डेबिट साइड में सारे खर्चे जाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम जाती है। बस आपको एक चीज ध्यान है पूरे क्वेश्चन में, बस ये देखना खर्चा का है, इनकम क्या है, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। बस यही करता चले जाऊंगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, और लेजर टू लेजर कॉस्ट पोस्टिंग करता हुआ चलूंगा। ध्यान से सुनना, एक तरीके अगर नॉमिनल, अगर ये जस्ट लाइक अ पीएनएल है तो नॉमिनल नेचर का हो गया। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और जो भी इसका नेट रिजल्ट होगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। दोस्तों समझ में आया, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है? जॉइंट बैंक अकाउंट इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। यही करता रहूंगा इसमें,
इसलिए तो पहले करने का तरीका, अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इससे पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन का सारे पता तीनों अकाउंट मेंटेन करूंगा, उसके बाद आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा मैं, तब आपको देखना कितना मजा आने वाला है। एक डिफरेंट एक्सपर्ट यूज करने वाला हूँ जॉइंट वेंचर सिखाने के अंदर, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस नेचर का होता है, रियल नॉमिनल या पर्सनल? सर रियल, एसेट सारी जितनी होती है वो रियल नेचर की होती है, बेसिक क्लास आपको अच्छे से पता है। इट्स रियल इन नेचर, ऐसा नेचर है इसका, रियल इन नेचर है, रियल इन नेचर। इट्स रियल इन नेचर, कैसा इसका रियल है, इसका मतलब क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो मतलब होता है रियल का। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आ रहा है उसको डेबिट कर देना, क्या जा रहा है उसको क्रेडिट कर देना। डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड। पर्सनल का मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गोल्डन रूल्स। ये तो मैंने कहा था भाई, ये गोल्डन रूल हर जगह यूज होंगे, आप कोई भी लेवल पे चले जाओ अकाउंटिंग की, हर जगह गोल्डन रूल का यूज होना ही होना है। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या है, इट जस्ट लाइक का कैश अकाउंट है, एक तरह कैश अकाउंट है, और ये कैश नेचर का है, रियल नेचर का है, और रियल नेचर का है तो उसका मतलब यही हो गया, इसका रूल ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आएगा उसको डेबिट कर देना, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है सर। चलो, और इसका जो नेट रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, द नेट रिजल्ट बैलेंस सीडी, इसमें दोनों निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। इसमें तो क्या देगा, या तो पैसा बच गया या नहीं बचा, खत्म, कहानी खत्म होगी, बैलेंस सीडी या तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, आई संग में। और इसका मतलब क्या होगा, पहला इट जस्ट लाइक अ पर्सनल अकाउंट, कैसा अकाउंट है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट है, और इट्स पर्सनल इन नेचर, याद है तीन तरीके का नेचर होता है, पर्सनल नेचर, कैसा नेचर है, पर्सनल। मतलब क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पर्सन रिसीव करेगा उस पर्सन को डेबिट करूंगा। डेबिट द रिसीवर का मतलब ये नहीं है दोस्तों, जो आ रहा है डेबिट करना, वो तो डेबिट व्हाट्स का मीन है, डेबिट द रिसीवर क्या बोल रहा है, वो डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीवर है उस पर्सन को डेबिट करना। डेबिट द गिवर, जो पर्सन दे रहा है, दे रहा है उस, जो चीज आ रही है वो नहीं, जिस पर्सन ने दिया उसको क्रेडिट करना, ये है, पर्सन को डेबिट क्रेडिट करते हैं यहाँ पर, कोई अमाउंट जो चीज आती है उसको नहीं करते दोस्तों। आपने मुझे कुछ कैश दे दिया तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, आपने क्या, आप कौन हो, गीवर, तो मेरे पास जो कैश आने की एंट्री होगी मैं कहूंगा डेबिट द रिसीवर नहीं, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आएगा वो डेबिट करूंगा। और आपसे क्या, आपका क्या रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गीवर, आप कौन हो, गीवर, आप दे रहे हो तो आपके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। दोस्तों डिफरेंस समझो दोनों के अंदर, एक होता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब है जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, उसको पर्सन को डेबिट करना है, कुछ जो पैसा वो जो आ रहा है उसको नहीं करना। एक होता है थिंग जो आ रही है, एक होता है पर्सन जिसके पास मिल रहा है, तो वो पर्सन जिसके पास आ रहा है वो पर्सन को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आई बस समझ में। और पहला दूसरा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो चीज आएगी पर्सन नहीं करना, अब जो आएगा वो डेबिट करना है। मैंने कोई सामान बेचा, मैंने सेल करी तो मेरे से गुड्स चले गए, तो मेरे से गुड्स चले गए तो रिसीवर कौन है, किसके पास पहुंचे, तो अगला मैंने आपको गुड्स भेज दिए तो आप कौन हो, रिसीवर, तो आप क्या करूंगा, मैं आपके अकाउंट को डेबिट द रिसीवर, मैं आपके अकाउंट को आपका नाम डेबिट कर दूंगा, क्योंकि आप डेबिट द रिसीवर वाले रूल पे हो। और मेरे पास क्या चले गया, मेरे पे सेल होगी तो मेरी क्या होगी, इनकम, क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, आई समझ में। ये है आपके पास पर्सनल नेचर है, और इधर क्या होता है दोस्तों, इधर होता है कोवेंचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इधर नेट रिजल्ट नहीं होता, इधर कोवेंचर बैलेंस शीट होगा, नेट रिजल्ट भी क्या रह गया, क्या बच गया, इधर मैं लिखता हूं कोवेंचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कोवेंचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर, कोवेंचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, और इसका नेट बैलेंस क्या होगा, बैलेंस शीट होगा, या तो आपको देना होगा या आपको लेना होगा, दो ही बातें निकल कर आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक तरीके का मैंने आपको बताया, मैंने कौन सिखाई, बैंक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अलग अलग बुक, ज्वाइंट वेंचर अलग है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट अलग, कोवेंचर की अलग बुक है, तो सबके अलग अलग बुक मेंटेन करी है। और देखो जब आपको मैं नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराऊंगा, तब आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है,
सेपरेट में नॉन सेपरेट में, जब अकाउंटिंग का डिफरेंस देखोगे ना, अच्छा ये होती है कि सेपरेट, अभी बताऊंगा ना आपको समझ में आएगा ही नहीं, जब मैं आपको नॉन सेपरेट बताऊंगा फिर कंपैरिजन कराऊंगा, देखो इसमें ये करा था और इसमें ये हुआ था, तब जाकर देखना डिफरेंस कितना नजर आएगा, ठीक है समझ में आ गया, तब पता चलेगा कि सेपरेट और नॉन सेपरेट में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, अभी बस करते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं नॉन सेपरेट वाली बुक्स का मेथड उठाऊंगा, वे उठाऊंगा, तब वहां पर आपको कराऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस वहीं पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन को स्टार्टिंग करके शुरुआत करेंगे, मतलब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, मतलब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको जनरेटिव कराऊंगा, आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके ना पूरा जॉइंट वेंचर का ओवरव्यू सीख लेंगे भाई, पूरा जॉइंट वेंचर का ओवरव्यू सीख लेंगे, उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा सर जनरल एंट्रीज इसके बेस पर, फिर जब मैं नया मेथड चूज करूंगा तो उसके पहले क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसकी जनरल एंट्री, फिर जब और बातें करूंगा पहले उसका क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसकी जनरल एंट्री, उल्टा चलेंगे दोस्तों, इस बार फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट पहले क्या करते थे, फॉर्मेट बनाते थे, जनरल एंट्री सीखते थे फिर एंट्री पे जाते थे फिर क्वेश्चन करते थे, इस बार उल्टा, पहले क्वेश्चन चेकेंगे फिर जनरल एंट्री पे जाएंगे, आई बात समझ में नहीं आया, ठीक है चलो। अब देखना आपको 100% समझ में आएगा, आपको गारंटी इतना मुझे बताना चैप्टर के एंड होने के बाद कि आपको समझ में आया नहीं आया चैप्टर के एंड होने के बाद, और मैं आपको लिख कर देता हूँ भाई समझ में आएगा ही आएगा, इस तरीके से बताऊंगा आपको, सिंपल से चार रूल बता, तीन रूल बताया मैंने आपको, जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, डेबिट में लॉसेस का खर्चे डालना, क्रेडिट में इनकम और गेन डालना, बस जब मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए डेबिट में लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम एंड गेन, जब मैं जॉइंट बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए जो चीज आई वो डेबिट कर दूंगा, जो पैसा आ रहा है डेबिट कर दूंगा, जा रहा है क्रेडिट कर दूंगा, और जब मैं पर्सनल कोवेंचर अकाउंट बनाऊंगा, मतलब कोवेंचर जो मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मान लो आप और मैं मिलकर दो को कोवेंचर है, हम दोनों ने मिलकर बिजनेस करा तो आपकी बुक में मैं अकाउंट बना रहा हूँ, आप मेरी बुक में आप अकाउंट बनाओगे, जब मैं कोवेंचर अकाउंट बनाऊंगा तो मैं पर्सनल अकाउंट दूंगा, मैं देखूंगा भाई कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना है पर्सनल नेचर, आई बात समझ भाई, इसको व्यापार मैं आपको बस ये मानकर ये करा रहा हूँ जॉइंट वेंचर, आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं, आपको जनरल एंट्री की जरूरत नहीं, मैं तो ये छोड़ ये समझ कर करा रहा हूँ कि आपने जो बेसिक का पढ़ा था ना वो डेबिट द लॉसेस कैट द गेन, डेबिट द रिसीवर कैट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कमिंग कैट व्हाट गोज आउट, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंस, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, कैट ऑल द इनकमिंग, इसके बेस पर जॉइंट वेंचर खत्म करा दूंगा मैं, देखना आप ठीक है, इतने सिंपल तरीके से कराऊंगा, ये लो भाई सामने देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब ये क्वेश्चन हमें करना है ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास बुक में, आपके पास आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है, वो बुक मिली है उसके पास, उसको जो बुक मिली है आपके पास जो बुक है उसके पास उसके अंदर हुआ है, ठीक है मैंने कहा मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया जॉइंट वेंचर में, पूरा क्वेश्चन खत्म करा दूंगा मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा, देखा ध्यान सुनना पर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा बच्चे खेल रहे या कुछ भी ऐसा कहीं तरीके से साउंड आ रहा है तो आप हट जाइए वहां से, कंसंट्रेशन में आ जाए, चाहे छत पे चले जाओ, चाहे धूप हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कहीं पर हो, ऐसी जगह पे चले जाओ मेरे भाई 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 और बहन, जहां पर आपके पास कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या कहते हैं, पहले तो देखते हैं सबसे पहले प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट ठीक, जॉइंट बैंक अकाउंट ठीक, और ईच को वेंचर दोनों को वेंचर अकाउंट मेंटेन करना, वेंचर किसका आपका भी बनाऊंगा और अपना भी बनाऊंगा ठीक है, एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन होते हैं जॉइंट वेंचर के पर बहुत इजी होते हैं, तो को वेंचर से मैंने आपको क्या बात सिखाया था, देखो मैंने ये तो सिखाया था आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट बैंक और को वेंचर पर्सनल अकाउंट, मतलब दोनों के ठीक है, अब एक एक करके कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, अभी तक मैंने ये बताया नहीं कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है और नॉन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है, जब मैं नॉन सेपरेट बताऊंगा तो सेपरेट ऑटोमेटिकली समझ में आएगा ठीक है, तो आदित्य और अमित दो पर्सन थे, ये एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए टू बाय एंड सेल गणेश आइडल फॉर अ गणेश फेस्टिवल, बाय और सेल करने के लिए, मतलब आदित्य और अमित दो पर्सन है भाई, मैंने यहां पर लिख दिया आदित्य एंड अमित, ये एक पर्सन है जो कि मिले, जो कि क्या हुए जॉइंट हुए, जो कि मिल गए और मिलने के बाद इन्होंने क्या करा, बाय और सेल करने का इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा जो कि गणेश फेस्टिवल में काम आएगा, बाय और सेल का मतलब खरीदने बेचने का बिजनेस करा, खरीद कर बेचते थे, इसके लिए बाय और सेल करा, गणेश आइडल करके इन्होंने खोला, गणेश आइडल ठीक है, गणेश आइडल करके खोला क्योंकि गणेश फेस्टिवल चला था, इन्होंने गणेश आइडल करके खोल दिया, अब दोनों मान लो मैं अमित हूं और आप आदित्य, मान लो आप अमित हो मैं आदित्य हूं ठीक है, आदित्य अमित ठीक है सर हम तो लड़की है वो आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है जिंदगी समझ आना चाहिए भाई, लो भाई लो, तो बाय और सेल का गणेश और आइडल ठीक है सर,
और इन्होंने गणेश फेस्टिवल के लिए करा। ये समझ में आगे इतना बात है, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, बस आप में कृपया करके कुछ लिखना मत, ठीक है। ये बात हुई थी, आगे बात करते हैं। ए ओपन, इन्होंने एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करा मैंने, ठीक है। ज्वाइंट बैंक मतलब हम दोनों ने मिलकर बैंक के पास गए और बैंक हमने ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाया। आपको पता है ना ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलता है, फैमिली मेंबर के अंदर खुलता है, पर आप बिजनेस के लिए खोलना चाहते हो किसी के साथ भी खोल सकते हो। वैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट फैमिली के साथ भी खुलता है, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के साथ भी खोल सकता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल सकता है। तो इन्होंने ज्वाइंट बैंक बैंक के पास गए, बैंक से बोला हमारा हम दोनों के नाम का अकाउंट खोल दो, जिसमें हम दोनों में से कोई भी इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इन्होंने अकाउंट खोलवा लिया, ठीक है। अब देखो आदित्य ने कुछ डिपॉजिट करे 2 लाख रुपए उस अकाउंट के अंदर, मतलब मैं आदित्य हूँ, मैंने 2 लाख रुपए दिए, ओके। आपने कितने करे? आप अमित हो, आपने कहा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख आपने दे दिया, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो अमिता मान लेना, ठीक। आदित्य सप्लाई गणेश आइडल, गणेश आइडल क्या है? इनकी कंपनी है, इनका बिजनेस है जिन्होंने मिलकर खोला हुआ है। गणेश आइडल क्या है दोस्तों? गणेश आइडल नाम का क्या है भाई? ये गणेश आइडल नाम का बिजनेस नेम है इनका, क्या है? बिजनेस नेम ऐसी खोल दिया, नाम का रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया कि नाम ऐसी खोल दिया गणेश आइडल करके, और ये जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो बिजनेस भी खत्म होगा। और क्या कर लेगा ये? गणेश फेस्टिवल आ रहा है, आपको पता है सबको गणेश फेस्टिवल होता है, तो गणेश फेस्टिवल आता है तो गणेश जी आते हैं 10 दिन के लिए, है ना। तो वो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, जब 10 दिन के बाद आएंगे चले जाएंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे, आपको देखा होगा छोटे छोटे बिजनेस खोले जाते हैं, तो मिलकर खोल लिया उन्होंने गणेश आइडल। तो आदित्य सप्लाई गणेश आइडल के लिए उसने 25,000 रुपए का कुछ सप्लाई करा, मतलब कुछ गुड्स या मटेरियल सप्लाई कर लिया, ठीक है, ओके। अमित ने सप्लाई करा, अमित ये तो आदित्य ने करा, मतलब मैं कौन हूँ? आदित्य, आप कौन? अमित। मैंने कुछ सप्लाई करा जिसकी रूपवर्थ थी, वर्थ मतलब जिसका अमाउंट, जिसकी वैल्यू थी 25,000 रुपए। मैंने कुछ मटेरियल दे दिया, पहले देखो 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 मैंने क्या दिया। मैं ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, एक बॉक्स है, भरते जाऊंगा इधर, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ये हो गया अमित आदित्य, मतलब मैं, ये हो गया अमित मतलब आप। अब सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाला, सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर डाला मैंने कैपिटल। मैंने क्या डाला दोस्त? कैपिटल। कितने की डाली? 2 लाख रुपए की। आपने क्या डाला? आपने भी कैपिटल डाली। आपने कितने की डाली? देखते रहे ना क्या डाला। ये है हमारा गणेश आइडल, गणेश आइडल जिसके अंदर हमने कैपिटल लगाई एज अ ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आपने कैपिटल लगाई 1.5 लाख की। फिर मैंने इसके अंदर क्या डाला? मैनेजमेंट डाला सर, मैंने इसके अंदर द्वारा डाला, और मैनेजमेंट डाला 25,000 रुपए का कुछ वर्थ का मटेरियल डाला, जैसे सप्लाई करा, मटेरियल सप्लाई करा है ना, जो बिकने के लिए। मैंने कहा 2 लाख तो कैपिटल लगाई और साथ में 25,000 की करा दी, 25,000 वर्थ की करा दिया, सप्लाई भी करा। आपने भी कुछ सप्लाई करा, मैंने देखा दे रहा, तो आदित्य ने सप्लाई करा, और पर्सन कह रहा है कि भाई आपने भी सप्लाई करा, सप्लाई डेकोरेशन मटेरियल। आपकी डेकोरेशन मटेरियल कितने का था? 15,000 रुपए, मतलब 15-25,000 का मैंने डेकोरेशन मटेरियल दिया, सप्लाई करा क्या? डेकोरेशन। आपको समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, डेकोरेशन मटेरियल। और आपने भी सप्लाई करा क्या? 15,000 रुपए का डेकोरेशन मटेरियल। याद रखना आपने क्या दिया है। आप सोचो मेरे और आपने मिलने बिजनेस खोले, जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना पूरा ज्वाइंट वेंचर कि आपने और मैंने मिलने का बिजनेस खोला, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप ये सोचो दोस्तों कि आपने और मैंने ही बिजनेस खोला है, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे पूरा ज्वाइंट वेंचर। पूरा ज्वाइंट वेंचर ये समझ लेना कि मैं वो एक पर्सन हूं, मैं और आपने हम दोनों मिलकर बिजनेस खोल रहे हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, मिलकर बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। जब 3 होंगे तो 1 करोड़ उठा के ले आएंगे। आपने क्या करा? आपने सप्लाई करा भाई इतना, ठीक है, डेकोरेशन मटेरियल मैंने 25,000 रुपए, तो मैंने कितने रुपए दिए भाई? मैंने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए, मैंने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए और 25,000 रुपए का डेकोरेशन मटेरियल दिया, ठीक है सर। आपने कहा ठीक है, ओके। आपने अपनी जेब से 1,50,000 का पैसे दिए, ज्वाइंट पे पैसे जमा कराए, और 15,000 का अलग से मटेरियल भी दिया। तो आप अपनी बात ध्यान रखना, मैं अपनी चीजें ध्यान रखूंगा, ओके। लास्ट में पैसा वापस भी लेंगे इससे। फिर आगे बात कर लेते मेरे भाई, आगे बात कर लेते क्या है, आ जाओ। द फ्लोइंग पेमेंट वर मेड बाय वेंचर, वेंचर के अंदर, वेंचर मतलब ज्वाइंट वेंचर के अंदर कुछ पेमेंट हुई। कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का क्या लिया भाई? आइडल। अब गणेश आइडल क्या होता है दोस्त? गणेश आइडल मतलब गणेश जी की मूर्ति, या इनका बिजनेस होता था, गणेश आइडल वाला बिजनेस होता, ये करते हैं मूर्ति बनाकर बेचते हैं, मतलब इनका बिजनेस क्या था? मूर्ति की कॉस्ट खरीदते हैं यहाँ से और बेच देते हैं। गणेश आइडल, आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति। तो इनका बिजनेस ही क्या था? गणेश जी की मूर्ति, मतलब बिजनेस का नाम इन्होंने कोई सेट नहीं करा, पर गणेश आइडल का बिजनेस का वो था। मैंने नेम हटा दो यहाँ से, बिजनेस का नाम नहीं है, बिजनेस क्या है? गणेश जी की मूर्ति खरीद कर बेचते हैं, एक जगह से खरीदेंगे सस्ते में, दूसरे का महंगे मिलते हैं। तो इनको गणेश आइडल की कॉस्ट कितनी की पड़ती है? 2.5 लाख की। मतलब अब मैं बात करूंगा ज्वाइंट वेंचर की, ये है ज्वाइंट वेंचर, गणेश आइडल की मूर्ति खरीदी, ये बिजनेस नहीं है, मूर्ति है, मेरे उससे निकल गया यहाँ से, ठीक है। गणेश आइडल ठीक है सर, गणेश जी की बिजनेस कैसा है इनका? बाबा बिजनेस ही तो है एक तरीके का, बिजनेस कैसा है इनका? गणेश जी की मूर्ति खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, ठीक है।
तो भाई इनका बिजनेस है गणेश जी की मूर्ति खरीद कर बेचना। और ये देखो जो ज्वाइंट वेंचर है ना भाई, ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो गणेश जी की मूर्ति की जो कॉस्ट आई वो 2.5 लाख रुपए आई, 2.5 लाख, 2,50,000। ओके, मतलब अभी तक पहला खर्चा कौन सा हुआ? पहला एक्सपेंस है 2,50,000 का, जो कि ज्वाइंट वेंचर में हुआ है, हमारे बिजनेस के अंदर हुआ है। मैंने 2 लाख रुपए दिए और मैंने 25,000 का डेकोरेशन मटेरियल दे दिया। आपने 1.5 लाख रुपए दिए और आपने 50-15,000 का डेकोरेशन मटेरियल दिया, और दोनों देने के बाद अब जॉइंट वेंचर बिजनेस चल रहा है। अब चल गया, और चलने के बाद पहला खर्चा क्या हुआ? 2.5 लाख का गणेश जी की मूर्ति खरीदी हमने बहुत सारी, और 2.5 लाख का खर्चा हुआ। ठीक है, फिर गणेश जी की मूर्ति लानी थी, तो लाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करने पड़ेंगे 12,000 का। तो मैंने खर्चा दे दो, पहला खर्चा तो ये हुआ, फिर 12,000 का और खर्चा हुआ। ठीक है, एक खर्चा ये हुआ 12,000 का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये सोच लो कि आपने, मैंने बिजनेस खोल ही लिया है, ये सोच लो। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट वेंचर तभी समझ में आएगा, अदरवाइज पूरा ज्वाइंट वेंचर समझ नहीं आएगा। ये बस ये मान कर चलना कि सर आपने और मैंने, हमने दोनों मिलने मिलकर बिजनेस खोला है। फिर हमने क्या करा? एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि भाई नया बिजनेस था, हमें एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ी। ठीक है, और कुछ खर्चे छोटे मोटे खर्चे हो गए 2,500 रुपए के, तो एडवर्टाइजमेंट कराई तो ये खर्चे हो गए। टोटल खर्चे कितने हैं? 7,500 रुपए और 2,500 रुपए ये एडवर्टाइजमेंट का हो गया, और ये सब सेकेंडरी एक्सपेंस हो गया। ओके, कितना खर्चा हो गया? ठीक है, दे सोल्ड आइडल, मतलब मूर्ति, इन्होंने मूर्ति बेची कितने की? 4 लाख रुपए की, पूरा कैश। ठीक है, अब कुछ आई इनकम, अब कुछ आई इनकम। ये तो सर सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे थे खर्चे, ये सारे के सारे क्या थे भाई? एक्सपेंस। अब बात कर लेता हूँ इनकम की, यह है इनकम, इधर मैं लिखता हूँ इनकम। अब क्या क्या पैसे आए मेरे पे? तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो 4 लाख की सोल्ड करा मूर्ति, जो है गणेश जी की मूर्ति। अब देखो ना प्रॉफिट मार्जिन 2,12,075,2,500 खरीद कर 4 लाख की बेच मारी। ओके ठीक है सर, इसके बाद क्या हुआ? आदित्य टुक, आदित्य टुक मतलब लेना, ओवर कम आइडल 30,000 रुपीज के, मतलब आदित्य ने कुछ ले लिया। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर से ले लिया। अच्छा, हमारा बिजनेस, हम दोनों का मिलकर बिजनेस खोला, तो मैंने कहा कि भाई देखो ये मूर्ति तू बेच रहा है, ये मुझे दे दे, मुझे भी अपने घर के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले ले, पैसे दे दे भाई, ये ऑब्वियस ही बात है, लॉजिक समझ रहे हो आप? आपने वो मिलने मिलकर बिजनेस खोला, अगर आप कोई बिजनेस में सामान ले जाओगे तो मैं उसको पैसा लूंगा नहीं लूंगा आपसे? मैंने कहा ले जा भाई, मैं बाहर मार्केट में बेचूंगा, तुझे ले ले, आप तो एक मम्मी तो पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर, तो पैसा आता है। अगर मैं 30,000 रुपए की मूर्ति ले रहा हूँ, क्या मैं बदले में पैसे नहीं दूंगा? दूंगा भाई, आप क्या मान जाओगे बिना पैसे देने के? बिल्कुल नहीं मानोगे। आप कहोगे भाई ऐसे दौड़ना होता है ना, तो मैं भी ले जा रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे तो तुम भी ले जाओगे, तुम महंगी ले जाओगे। क्या तुमने कैसे महंगी ले ली? मैं भी ले जाऊंगा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, ठप हो गया बिजनेस हारा धन में। तो इसे समझे सर चीजों को, चीजों को क्या समझना है कि अगर मैं अपने बिजनेस से, हम दोनों का मिलकर बिजनेस है, अगर हमने, मैंने अपने बिजनेस से 30,000 रुपए का सामान ले लिया, तो आप कहोगे भाई पैसे दे, 30,000 रुपए दे, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ले गया था सामान। मैं भी ये कहता कि भाई दुकान से लेता तभी इतना ही पड़ता, चलो मैंने अपने बिजनेस ले लिया, इसलिए मेरी बिजनेस की सेल तो हो गई। इसलिए ये समझना कि अगर कोई कोवेंचर बिजनेस से कुछ ले जाएगा, अगर कोई कोवेंचर बिजनेस से कुछ ले जाएगा, तो समझ लेना वो बिजनेस की सेल मानी जाएगी, भले ही कोवेंचर ले गया, वो सेल मानी जाएगी बिजनेस की तरीके की। ठीक है, यार तो मैंने कहा भाई कौन ले गया सबसे पहले? भाई 30,000 रुपए की मूर्तियां कौन ले गया भाई? आदित्य ले गया, मतलब मैं। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते। फिर कह रहा भाई अमित टुक, अमित ने भी लिया रिमेनिंग 10,000 रुपए, और रिमेनिंग की मूर्ति बच गई, अमित ने 10,000 की। कह रहा है रिमेनिंग बच गई, अमित कह रहा है चल मेरे को दे दे यार, मेरा भी तो घर में पूजा ही है, देखो दे दे। मैंने कहा ठीक है भाई ले जा 10,000 की। अब अमित ने ले लिया, मतलब आपने। ठीक है सर, आगे द प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, कह रहा इक्वली बांटेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों इक्वली बांट लेंगे। कह रहा प्रिपेयर जो बिटवीन कोवेंचर, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर बैंक लोन। अब बताओ पूरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अमित और आदित्य मिलकर बिजनेस खोलने लगे, इनका बिजनेस था गणेश आइडल का, जो कि गणेश जी की मूर्ति खरीद कर सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचा करते थे। ठीक है, अब इतने सबसे पहले आदित्य ने, मैंने 2 लाख रुपए लगाए और 25,000 का डेकोरेशन सप्लाई करा। ठीक है, आपने, अमित ने कितना लगाया? आपने लगाया 1.5 लाख रुपए और डेकोरेशन के लिए आपने 15,000 रुपए का सप्लाई करा। फिर आपने क्या करा? अपने भाई मैंने मूर्ति खरीदी 2.5 लाख रुपए की, 12,000 का खर्चा करा, 7,500 का खर्चा करा और 2,500 का खर्चा करा। फिर हमारी सेल हुई 4 लाख की, तो एक्चुअल हमारे मार्केट में बेच दी, 30,000 का मैं ले गया, 10,000 का आपने। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, आगे बढ़े। सर हमें कुछ नहीं पता जॉइंट वेंचर कैसा बनेगा, बट मैं आपको पूरा जॉइंट वेंचर सिखा दूंगा, पूरा मेथड सिखा दूंगा। पहले लो भाई एंड डालेंगे, पहले सबसे पहले कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है? जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहले तो बता दो लॉजिक, लॉजिक क्या है? जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करूंगा तो उसका लॉजिक क्या है, इसका नेचर क्या है? आप कहोगे सर नेचर जो इसका है ना पर्सनल नेचर है। ओ पर्सनल, इसका नेचर है नॉमिनल नेचर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका नेचर कैसा है मेरे भाई? नॉमिनल नेचर है। कैसा? नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम, रटा है बचपन से।
जितने भी खर्चे और लॉसेज है मैं उनको डेबिट करता हुआ चलूंगा, जितने भी इनकम और गेन है मैं उनको क्रेडिट करता हुआ चलूंगा। क्लियर है या नहीं? चलो यही करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ले लो भाई, अब एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जब भी मैं अकाउंट मेंटेन करता हूं क्या मैं ओनर के बारे में सोचकर अकाउंट मेंटेन करता हूं? बचपन से क्या सीखते हो, क्या ओनर के बारे में सोचकर अकाउंट मेंटेन करते हो या सर ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट मेंटेन करते हो या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट मेंटेन करते हो? सर यस, बचपन से हम सीखते हुए हैं, हम जब भी अकाउंट मेंटेन करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मतलब मैं और आप ओनर हो तो मैं जब अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ये सोच कर बनाऊंगा ये मेरा अकाउंट है, मैं ये सोच बनाऊंगा बिजनेस का अकाउंट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है सर, मैंने कहा यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ठीक है भाई। इसके बाद सबसे पहले क्या हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अकाउंट बनाते टाइम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब एक बिजनेस है, ठीक है, अब एक बिजनेस है, मान लो ये बीच में हमारा बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। मैं पहले कह रहा हूँ बिजनेस के पास क्या आया, सबसे पहले आई कैपिटल, मैंने दिया 2 लाख आप देखिए 1.5 लाख। बिजनेस ने कहा अच्छा मेरे पास तो कैपिटल आ गया, ओके, तो मान लो मैं वहां खड़ा हूँ और आप वहां खड़े हो तो आपने मुझे 1.5 लाख, मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, अब मैं क्या बन गया, मैं बिजनेस बन गया। अब आपने मुझे दिया, सबसे पहले आपने मुझे दिया 1.5 लाख रुपए और एक पर्सन है दूसरा पर्सन है उसने मुझे दिया 2 लाख। आप अमित हो गए, वो आदित्य, मैंने उसको बना दिया, अब मैं बिजनेस बन गया, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि अकाउंट समझ से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया। अब 2 लाख रुपए आपने, क्या ही मेरा खर्चा है? नहीं, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, पर मेरी लायबिलिटी बनी, क्या बन गई दोस्त, लायबिलिटी बनी, नहीं बनी बताओ। सबसे पहले आपने मुझे जो 1.5 लाख रुपए दिया, कभी जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो तो बिजनेस की क्या बनती है, वो लायबिलिटी बनती है, नहीं बनती, क्योंकि लायबिलिटी साइड में आता है कैपिटल हमेशा। तो आपने जब 1.5 लाख रुपए मुझे दिया तो हमारी क्या है, लायबिलिटी, मेरी क्या है, मैं बिजनेस हूँ, मैं आदित्य नहीं, मैं बिजनेस हूँ। मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है, दोनों ने मिलकर बिजनेस करा, मैं बिजनेस हूँ। आपने मुझे 1.5 लाख रुपए दिया, आपके दोस्त ने मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो मेरे ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी, आपके नाम की कितनी बन गई, आपके नाम की बन गई सर 1.5 लाख की, उसके नाम की बन गई 2 लाख रुपए की, ओके, ये ठीक है। तो आपका अकाउंट जब मेंटेन करूंगा, आप कौन हो, अमित, और जब आपके दोस्त का, मतलब जो आदित्य मैं बन गया था, अब मान लो आपका दोस्त है, आपके दोस्त का जब अकाउंट मेंटेन करूंगा आदित्य का, तो उसने मुझे 2 लाख रुपए, तो आदित्य के अकाउंट मेंटेन करूंगा तो आदित्य को लायबिलिटी बना लूंगा 2 लाख की, और आपको कितने की बनाऊंगा, 1.5 लाख रुपए की, ओके, रिपोर्ट है या नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, कितने अकाउंट मेंटेन होंगे, 4, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अमित का अकाउंट और आदित्य का अकाउंट। ये किसकी बुक्स में अकाउंट बन रहा है, बिजनेस की बुक में, किसकी बुक बन रहा है, बिजनेस, ना तो आदित्य की ना अमित की, किसकी बुक में है, बिजनेस की बुक की, भूल जाओ कंसाइनमेंट जो पढ़ा था, यहाँ पर किसकी बुक में मेंटेन कर रहा है, बिजनेस की बुक में, मतलब बिजनेस है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है, ध्यान सुनो। लो भाई लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मैं जल्दी से अकाउंट बना रहा हूँ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मैं सारी ट्रांजेक्शन एक साथ करूंगा ना तभी समझ आएगा, आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी बस आपको सिर्फ देखना है, अभी आपको भी सिर्फ फिल्म देख लो, लेट कर देख लो, पर देख लो। फिर मैं बनाऊंगा आदित्य अकाउंट, इसकी बुक में अकाउंट बन रहा है, दोबारा बताना आदित्य की अमित की है बिजनेस की, सर बिजनेस की, ओके, फिर किसका अकाउंट बनाऊंगा, अमित का, अब थोड़ा चेंज करते हैं, मान लो हम दोनों बिजनेस है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे हैं, ठीक है, हम बिजनेस है, आप और मैं बिजनेस हो, आप ना अमित हो ना आदित्य, आप बिजनेस, एक पर्सन साइड में खड़ा है वो अमित आदित्य है, और एक पर्सन इधर खड़ा है वो अमित, ठीक है, दो अलग अलग पर्सन है आदित्य और अमित। अब एक इधर हम दोनों क्या है, बिजनेस, भूल जाओ अभी तक जो मैंने बताया, बस वो समझाने के लिए बताया था, तभी तब तक समझ नहीं पाओगे, भूल जाओ अभी तक जो पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, सब कुछ भूल जाओ। अमित ने, हम बिजनेस है, हम क्या है, बिजनेस मतलब बिल्डिंग है, काम हो रहा है जिसमें, हम बिजनेस, अमित ने आदित्य ने कितना पैसा दिया हमें, 2 लाख रुपए, क्या हमारे ऊपर लायबिलिटी है, नहीं है, एज अ कैपिटल 2 लाख लगाया, बिजनेस की लायबिलिटी होती नहीं होती, बता होती है, ठीक है, ओके। जब दोस्तों उसने 2 लाख रुपए दिए तो वो 2 लाख मेरी जेब में दिए क्या, बिल्डिंग की जेब में, जीप बनाई उसने पहले काटा बिल्डिंग को, वहां जेब बनाया, वहां घुसा दी 2 लाख रुपए, ऐसा हुआ है क्या, नहीं सर, वो बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खोला और वहां जाके डिपॉजिट करा दिया, अच्छा ये हुआ था कि मतलब वहां पर क्या हुआ था कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो बनाया था मैंने, ये वाला, इसके अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ, ये बैंक किस, बैंक अकाउंट किसका है, आदित्य का, अमित का, ये हमारा, हम बिजनेस है, हमारा है ये बैंक अकाउंट, हमारे लिए खोला गया है, अच्छा तो इसने जो मेरे को 2 लाख रुपए दिया है, मेरे पास तो पैसा आ गया होगा, हम तो बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस के पास क्या आ गया होगा, पैसा आ गया होगा, कितना पैसा आया, एक तो 2 लाख जो अमित ने दिया वो आया, और एक दोस्तों अमित, आदित्य ने 2 लाख रुपए दिया वो आया, और एक अमित ने 1,50,000 दिया वो आया, अच्छा भाई ये हुआ। इसके बाद अगर ये हुआ तो ये कैपिटल जो मेरे पास आया तो बताओ
जॉइंट बैंक अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होता, होता नहीं होता। हमारा बिजनेस है दोस्तों, हमारा बिजनेस है, हमारे पास क्या आया, कैपिटल आई, कितने रुपए की, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख दिया आदित्य ने, 1.5 लाख दिया इसने, अरे छोड़ो कितने दिया, हमारे पास क्या आया, डेबिट वर्ड का इन या आउट, सर इन, तो इन हुआ तो कैश का बढ़ना डेबिट या घटना का डेबिट, सर कैश का बढ़ना डेबिट, जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा नहीं होगा, ठीक है सर ये ध्यान सुनना। तो मैंने कहा लो भाई लो, सबसे पहले लिखा कैश का बढ़ना डेबिट होता है, पर ये जो पैसा दिया है मेरे भाई, ये जो पैसा दिया, आप बताओ अगर कोई भी ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो एंट्री क्या होती है, सिंपल एंट्री बता दो, छोड़ो ना दुनियादारी, छोड़ो ना जॉइंट वेंचर, सिंपल एंट्री बता दो, पता है आपको, मैं बता दूंगा, जब ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस के पास एंट्री होगी, देखो ओनर की बुक में कोई एंट्री, बिजनेस की बुक बनती है, बिजनेस के पास क्या एंट्री होगी, पहले तो आप ये बिल्कुल समझ लो कि हम अपनी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, मैं कब से बताते हुए आया हूं आपको। तो बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, तो पैसा डेबिट हो गया होगा, और किस वजह से आया पैसा, कैपिटल की वजह से एंट्री होती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है ना कैपिटल की, बस वही तो कर रहा हूँ, पैसा आ गया पर पैसा दिया किसने है, अमित ने, कैपिटल नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, किसने दिया है, अमित ने दिया है, तो मैंने कहा लो भाई आदित्य लिखता हूँ, पहले पैसा किसने दिया है, आदित्य ने दिया है, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या आपको लॉजिक क्लियर है या नहीं है, बताओ पैसे का आना क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट बता दो सर, डेबिट, मैंने कहा था पहले जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट है, कैश का बढ़ना डेबिट और कैश का घटना क्रेडिट, मैंने कहा अमित बताओ, अमित अकाउंट आएगा बैक लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या लिख दिया मैंने, मतलब इसने कॉन्ट्रीब्यूट कराया बिजनेस के अंदर, इसने बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर दिया, और अगर बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर दिया तो इसने दिया मुझे 2 लाख रुपए, मेरा बैंक बढ़ गया, हम कौन है, बिजनेस हमारा बैंक बढ़ गया, और हमारा 1.5 लाख से इधर बैंक बढ़ गया, पर हमारी लायबिलिटी भी तो बढ़ी है साथ में, एसेट बराबर लायबिलिटी, यस एसेट बराबर क्या होती है, लायबिलिटी, अगर हमारे पास पैसा आया तुम्हारी एसेट बढ़ गई, साथ में लायबिलिटी भी तो बढ़ी होगी, साथ में अमित को क्या बनाऊंगा, अपना लायबिलिटी जनरेट कर दूंगा, अच्छा तो अगर आपको एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पोस्टिंग करने आती है तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको ज्वाइंट वेंचर अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं आते ध्यान सुनो, ये देखो कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य क्या हुआ है, डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य क्या हुआ है, डेबिट, तो आदित्य में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य डेबिट, तो आदित्य में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रॉस पोस्टिंग, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या होगी, क्रॉस पोस्टिंग, बस ये देख लेना नाम, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य क्या हुआ, डेबिट, तो आदित्य के अकाउंट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अच्छा ज्वाइंट बैंक अकाउंट में अमित क्या हुआ है, डेबिट, तो अमित के अकाउंट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस ये तो करना है, और ये भी मैं बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई ज्वाइंट बैंक, जिसका नाम है वही आएगा, बैंक लिखना ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोला है तो वही आएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, आदित्य ने 2 लाख रुपए दिए थे, ये बन गई लायबिलिटी, नहीं बन गई बता दो सर, क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में, कहा था ना लायबिलिटी बन जाएगी ऑटोमेटिकली, मैं वैसे भी सिखा देता, लायबिलिटी बन जाएगी ऑटोमेटिकली, कैसे बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी, तो आदित्य, आदित्य ने क्या करा भाई, 2 लाख रुपए जमा कराए, आदित्य ने क्या करा भाई, 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, ठीक है, अब जब 2 लाख रुपए उसने हमें दिए हैं तो हमारा बैंक बढ़ गया, साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई, देखो क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने, और किस नाम से लायबिलिटी बढ़ी, बैंक के पैसे आने से, तो बताओ लेजर पोस्टिंग करने आती है आपको, जनरल एंट्री से लेजर, बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, तो अमित की कैपिटल बढ़ गई, अमित का अकाउंट बढ़ गया, किस क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, देखो कर तो दिया, ओके ऐसे तो यार अमित ने भी दिया था, तो मैं लिखता हूँ भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और इस वीडियो के बाद अभी जाकर देखना इसके जनरल एंट्री, तभी समझ आएगा, इसी की बेस पर जनरल एंट्री कराने वाला हूं मैं इस क्लास के अंदर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्या आया, कुछ नहीं आया यहाँ पर, और कितना दिया 1.5 लाख, यहाँ लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या लिख सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हो कॉन्ट्रीब्यूशन, बता दो सर पहली एंटेशन माइन नहीं आई, अगर आपको एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी आ गई तो ज्वाइंट वेंचर इतना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कोई चैप्टर है ही नहीं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या आया, पैसा आया, पैसे किसने दिया, अमित और आदित्य ने, अमित और आदित्य के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट में अगर अमित और आदित्य डेबिट है तो अमित और आदित्य के अलग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्या क्लियर है, ठीक है सर। इसके बाद अगला क्या हुआ था, अगली बात कैपिटल लगाने के बाद क्या हुआ था, पता है क्या हुआ था कैपिटल का, अब 2.25 लाख देखो आप मेरा डायग्राम, पहले 2 लाख की कैपिटल लगाई, फिर 2 लाख की 1.5 लाख की कैपिटल लगाई, इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया, दो जगह ट्रीटमेंट हुआ, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा और ऊपर से लायबिलिटी बढ़ा दी अलग अलग नाम, ठीक है, फिर 25,000 रुपए सप्लाई करा था किसने, आदित्य ने, आदित्य ने हमें, हमें हम बिजनेस है, हमें 25,000 रुपए का डेकोरेशन सामान दिया था, 25,000 रुपए का डेकोरेशन सामान दिया था, अगर मैं आदित्य से नहीं लेता तो मुझे सामान की जरूरत है तो मैं बाहर से खरीदता, क्या मेरा खर्चा होता नहीं होता, मुझे बता दो सर, एक बार बता दो, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो समझ में आ गया होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर आदित्य हमें ये 25,000 रुपए का सामान नहीं देता तो मैं ये सामान बाहर से खरीदता नहीं खरीदता, यस आप ये सामान बाहर से खरीदते,
और अगर ये सामान आप बाहर से खरीदते हैं तो आपका खर्चा होता नहीं होता? होता। क्या आदित्य ने मुझे सब सामान दिया, हमें जब सामान दिया, क्या आदित्य पैसा नहीं काट लेगा हमसे? कह रहा भाई मैंने सामान फ्री में थोड़ा दिया है, पैसा होगा तो मैं काट लूंगा, मैं अपना हिस्सा लूंगा पूरा का पूरा। यस, और तो खर्चा ही हो गया। हम बाहर से लेते तब भी 25,000 देना पड़ता, हमने आदित्य से लाए तो वो कौन सा फ्री फंड में दे रहा है? वो भले ही ओनर है तो फ्री फंड में तो ना दे रहा है, वो तो काटेगा अपना पैसा, काटेगा नहीं काटेगा? बिल्कुल। और इसने कहा जब भी अमित, जब भी कोई जॉइंट वेंचर को वेंचरर कोई हमें सामान देगा, एज अ मटेरियल सामान देता है या कुछ भी देता है वर्क में, तो वो हमारे लिए खर्चा माना जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो वो सामान बाहर से खरीदना पड़ेगा। उसने दे दिया, हम उसको पैसे दे देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? हमारी जो भी सेल होगी उसमें काट लेगा वो, देखना भी कटवाता हूँ मैं उसको। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो अमित ने क्या दिया भाई? मटेरियल। अमित ने क्या दिया हमें? मटेरियल दिया। कितने रुपए का मटेरियल दिया आदित्य ने? आदित्य ने कितना मटेरियल दिया? 25,000। कितने का? 25,000 का। और क्या कहते हैं, अमित ने कितने का दिया? 15,000 का। अब वो मटेरियल तो दे रहा है, वो उसने मटेरियल तो दिया हमें, अमित ने मटेरियल दिया, आदित्य ने मटेरियल दिया, हमारे पास मटेरियल आ गया, अमित से आ गया, आदित्य से आ गया, और अमित से आ गया, दोनों से आ गया। पर हमें अगर ये मटेरियल नहीं देते तो ये सोचो ये मटेरियल मुझे बाहर से खरीदना पड़ता, क्योंकि अगर मुझे मटेरियल दिया गया तो मतलब बिजनेस के अंदर जरूरत है उस मटेरियल की। अगर ये मटेरियल आदित्य और अमित नहीं देते तो मुझे बाहर से खरीदना पड़ता, खर्चा खत्म होता तब भी होता, और ये भी दोस्तों खर्चा ही है। ये बात समझ लो, भले ही ओनर कुछ मटेरियल दे दे, अगर ओनर कुछ पैसा दे रहा है, अगर कुछ ओनर मटेरियल लेकर आ रहा है तुम्हारा खर्चा, और ओनर हमसे कुछ मटेरियल ले जा रहा है तुम्हारी इनकम। अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो पैसा काट रहा है, अगर वो हमसे कुछ ले आएगा हम पैसे काट लेंगे, उसमें क्या है? बिजनेस अलग है भाई, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है भाई, ये समझ देना। मैंने कहा ठीक है ओके। तो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर क्या है? नॉमिनल नेचर का है, खर्चे सारे डेबिट, इनकम सारी क्रेडिट। यही होता नहीं होता बच्चे? यही होता है। मैंने कहा बताओ सर, सबसे पहले यहां लिखूंगा टू अमित आदित्य, सॉरी अमित अमित को हरा बाद में आदित्य, और यहां लिखूंगा मटेरियल दे दिया इसने। कितने का दिया मटेरियल बता दो? मटेरियल का खर्चा हो गया मेरा कितने का? 25,000 रुपए का। इसने 25,000 का मटेरियल दिया। अरे यार कोई भी मुझे मटेरियल देगा, बिजनेस को मटेरियल देगा, तो बिजनेस का तो खर्चा ही है, उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अच्छा अगर ओनर कुछ दे रहा है मटेरियल तो हमारा खर्चा माना जाएगा, क्योंकि हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर ओनर कुछ ले जाएगा तो पैसे ले भी लूंगा मैं उससे, छोड़ूंगा थोड़ी ना। देखो ले भी गया थे सामान, ले गया था 30,000 का, 10,000 का, दोनों के दोनों मैं पैसे ले लूंगा, मेरी इनकम मान लूंगा अपने। तो सेल ना करके क्या बोल दूंगा? अमित ले गया, ये बोल दूंगा बस। सेल बट ना यूज करके क्या बट यूज करूंगा? अमित ले गया। अमित खर्चा ना, पेमेंट ना होकर क्या यूज कर लूंगा? अभी मैं पेमेंट कर, पेमेंट बाहर से खरीद के गया, परचेज ना करके यूज क्या कर रहा हूँ? अमित ने दे दिया, ये यूज कर रहा हूँ, तो खर्चा ही। कोई भी ले जाए, कोई भी दे दे, ठीक है। तो और अमित ने कितना दिया भाई? अमित ने भी मटेरियल दिया है कितने का? मैंने कहा अमित ने जो मटेरियल दिया वो 15,000 रुपए का दिया, इतने मासूम में आ गई। अगर देखो अब अगर अपने लेजर पोस्टिंग नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आदित्य और अमित डेबिट हुए तो बताओ आदित्य और अमित में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ज्वाइंट बैंक है, ज्वाइंट वेंचर सर, ज्वाइंट वेंचर इसे समझ लो बस, यही तो आपको समझना है। अगर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट हुआ है आदित्य तो आदित्य में क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा। लेजर पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग होती है लेजर टू लेजर। और अगर ज्वाइंट वेंचर में डेबिट हुआ अमित तो अमित के अकाउंट में क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कर दूं। अकाउंट बनते जाते हैं दोस्तों, अकाउंट बनते जाते हैं। क्या मैंने आपको कुछ सिखाया? अभी नॉर्मल है। बताओ सर यहाँ पर क्या ले दूंगा? यहाँ ले दूंगा भाई ज्वाइंट वेंचर, क्या ले दूंगा? ज्वाइंट वेंचर। और कितने का सामान दिया था इसने? 25,000 रुपए का। क्या बना रहा हूँ मेरे दोस्त? ये क्या है? ये जितना भी अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा आदित्य के, ये मेरी लायबिलिटी है, बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। अब मैं कहूंगा अच्छा यार अमित आदित्य ने तो मुझे पहले 2,00,000 रुपए दिए, फिर 25,000 रुपए उसने मुझे और मटेरियल दिया, तो मुझे अब उसको कितने पैसे वापस करने हैं? 2,25,000 रुपए। ये मेरी क्या है बनते? क्या है भाई? ये मेरी लायबिलिटी है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा? बाय ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलूंगा यहाँ पर? बाय ज्वाइंट वेंचर। और ये भी क्या बन जाएगी मेरी लायबिलिटी? 15,000 रुपए की। अमित से क्या होगा? अच्छा अमित ने 1,50,000 रुपए मुझे दिए तो मुझे 1,50,000 वापस करना है, और ऊपर से मुझे 15,000 का मटेरियल दिया, अच्छा मुझे 15,000 भी वापस करना है, तो मुझे 1,00,000 कितना हो गया? 1,65,000 रुपए वापस करना है। क्या क्लियर है? नहीं है। ये क्या बना रहा हूँ मेरे भाई? क्रेडिट लायबिलिटी बना रहा हूँ, और जब मुझे पैसा लेना होगा मैं डेबिट कर दूंगा। जब पैसा देना है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी क्रिएट करने को अमित को क्या बना रहा हूँ? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और जब मैं उसको पैसा लेना होगा, मुझे सामान लोगे मुझे सामान ले गया, मैं उसको पैसा लेना मैं काट लूंगा उसकी लायबिलिटी। अब तक मुझे बस ये समझो, अभी इंटरप्रिटेशन क्या समझना है कि अभी तक मुझे टोटल अमित आदित्य को देना है 2,25,000 रुपए, और अमित को टोटल देना है 1,65,000 रुपए। क्लियर हो गया किस नाम का हुआ? ठीक है ओके। उसके बाद क्या हुआ बताओ? मैं यहाँ पर था, यहाँ पर था, मैं जो जो कहानी बताई थी वो यहाँ था। ये तो हो गया, ओह सॉरी, ये तो हो गया दोस्तों, ये हो गया, चार एंट्री हो गई। इसके बाद अब खर्चे पे आ जाए, एक्सपेंस भाई 1, 2, 3, 4 सारे एक्सपेंस। आपको एक लॉजिक पता है भाई, सारे एक्सपेंस की डबल एंट्री होगी। हर देखो ये समझो, हर एक एंट्री का डबल इफेक्ट होना ही होना है, दो अकाउंट में जाएगा, क्योंकि या तो पैसा दोगे या नहीं दोगे। अगर पैसा दोगे तो ज्वाइंट बैंक हो, नहीं हो तो को वेंचर।
अब मुझे बताओ क्या मैंने कोई सामान खरीदा? हाँ खरीदा। क्या सामान खरीदा? मैंने बाहर से 2.5 लाख का मूर्ति खरीदी थी गणेश जी की। जब मैंने गणेश जी की मूर्ति खरीदी 2.5 लाख रुपए, क्या मैंने पेमेंट करी होगी? अगर मैंने पेमेंट करी होगी तो बैंक से पेमेंट करी होगी ना भाई, बैंक से पेमेंट करी होगी तो बैंक में पैसा बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। अच्छा, बस यहाँ पर खर्चे नाम खर्चे से सो नहीं करते, ये सो ये देखा जाता है कि किसने करा, किसने दिया और किससे हुआ। तो मैंने कहा यहाँ लिख दिया टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। एक ही बना दिया हेड, ज्वाइंट बैंक अकाउंट का एक हेड बना दिया और जितने खर्चे यहाँ पर लिख दूंगा। बट देखो दोस्तों, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अलग अलग लिखता हूँ, बनने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप एक ही अकाउंट में डाल दोगे। ज्वाइंट बैंक अकाउंट पहले क्या दिया इसने? पहले दिया गणेश आइडल, मूर्ति खरीदी गणेश जी की, लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बार बार ज्वाइंट बैंक अकाउंट आएगा दोस्तों, क्योंकि सारी पेमेंट बैंक से हुई है ना। एंट्री बता दो क्या होगी, एंट्री बता दो। मैंने कहा खर्चे कहाँ आएंगे? ज्वाइंट वेंचर में। तो एंट्री कहाँ है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो खर्चे खर्चे नाम से नहीं आएंगे, बस यही समझना है। सेम कंसाइनमेंट अप्लाई, खर्चे खर्चे नाम से नहीं आएंगे दोस्तों, खर्चे ज्वाइंट वेंचर नाम से आएंगे। तो मैंने कहा चाहे गणेश जी की मूर्ति कर दो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन दे दो, चाहे कोई भी सेंट्री अस्पताल दे दो, कोई भी खर्चा होगा, कोई भी खर्चा होगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। ऐसे नहीं होगा गणेश जी मूर्ति गणेश आइडल अकाउंट डेबिट टू कैश टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। ना ना ना, स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, इसको स्पेशल ट्रांजेक्शन कहते हैं दोस्तों। और मैं कहेंगे चाहे गणेश जी की मूर्ति कर दो, चाहे किसी टाइप का खर्चा करो, उस खर्चे के नाम से नहीं, हमेशा ज्वाइंट वेंचर नाम से आएगा। एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर खर्चा और टू ज्वाइंट बैंक, टू ज्वाइंट बैंक का खर्चा पेमेंट कर देंगे। तो मैंने कहा ज्वाइंट बैंक का गणेश आइडल, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए मैं पता क्या कर रहा था, इसलिए मैं कर रहा था ज्वाइंट बैंक अकाउंट एक बार लगा सारे खर्चे इकट्ठा टोल कर ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैश कर दूं। ज्वाइंट बैंक अकाउंट जेबी लिखता हूँ, जेसीबी ने लिखा भाई, जेसीबी। हाँ ज्वाइंट बैंक अकाउंट वो आजकल चला था ना एकदम एडवर्टाइजिंग, फिर ज्वाइंट बैंक अकाउंट कंट्री एक्सपेंस। अब मैं क्या करता, मैं अगले उसमें क्या करूंगा, एक ही ज्वाइंट अकाउंट लिखा सारे खर्चे इकट्ठा डाल दूंगा अलग से। अलग से क्या डालना इसको? मैंने कहा बताओ कितने का आया? 2.5 लाख रुपए का। ओके, मैंने कहा ये कितने का था? 12,000 रुपए का। मैंने कहा ये कितने का था? 7,750 का। और मैंने कहा ये कितने का था? ये था सर 2,500 का। अब बताओ ज्वाइंट वेंचर डबल इफेक्ट होगा, ज्वाइंट वेंचर में अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 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 हो रहा है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट होगा। क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर। बस ज्वाइंट अकाउंट खोलो और यहाँ पर लिखो क्रेडिट कार्ड। और क्या नाम आएगा? अगर ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट बैंक डेबिट है तो ज्वाइंट बैंक में ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा। ये अगर पोस्टिंग करने आगे ना पूरा लेजर अकाउंट पूरा कंसाइनमेंट में आगे और कुछ नहीं बचा सर, बस यही करना है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ट्रांसफर करते हुए चलना है। मैं सिर्फ खर्चे यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब मैंने ऐसे कर रहा था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खुला और मैं उधर भी यही करना चाह रहा था, पर मैंने अलग दिखा दिया। मैं यही सोचो कि आपने अलग से खर्चे नाम दोस्तों करा है, बस ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई खर्चा होगा, मटेरियल खरीदा तो आप ये नहीं कहोगे मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये स्पेशल एंट्री है दोस्तों, स्पेशल एंट्री में नहीं होता ऐसा, वो पहले जो बुक्स अकाउंट जन एंट्री पास करते हैं वैसे होता है। ये स्पेशल एंट्री होती है ज्वाइंट वेंचर, इसमें होगा आप कोई भी खर्चा करो किसी भी नाम से, एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर टू बैंक। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा बताओ क्या क्या? मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीद लो या गणेश आइडल खरीद लो, और उसके बाद क्या था? एडवर्टाइजमेंट था कुछ, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन था, और आपका सेंट्री एक्सपेंस था कुछ, है ना। ये लिख लेना सर आप कितना आएगा मटेरियल। मैंने कहा सर मटेरियल आपके पास है 2.5 लाख का, 2,50,000 का, और आपके पास 12,000 का क्या है? 7,500 का, 7,500 का नीचे कर दिया मैंने, 7,500 का एडवर्टाइजमेंट, 12,000 के ट्रांसपोर्टेशन को, 2,500 का है टोटल, बता दो सर कितना हो गया। मैंने कहा ठीक है सर टोटल एक बार देख लेते हैं। अरे भाई कैलकुलेटर हो गया भाई मेरा यहाँ पे। ओके टोटल देख लेते हैं। लो भाई इसका आंसर आया 2,72,000, कर लिया सर फोन से कर दिया मैंने 2,72,000, और यहाँ 75,000 नहीं है 7,500 है। हाँ तो अलग अलग वहाँ टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ऊपर बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन बढ़ते हैं वापसी ऊपर। ये जो कर दिया, इसके बाद क्या होता? सेल हुई थी, चार तरीके की हुई थी, ये तो हुई थी सेल, तीन तरीके, ये तो होगी सेल, तो सेल, और ये क्या हो गया? आदित्य ले गया, ये उसके नाम से आया, और सेल होगी मतलब जब आदित्य ने जैसा खर्चा माना था, अब आदित्य ले जा रहा है वो सामान, तो उसका बैंक का मान लूंगा भाई, वो भी तो पैसा देगा मुझे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर लिख दो सर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में सेल, जितनी भी सेल होगी कहाँ आएगा सेल, और मैं क्या लूंगा भाई सेल लिखूं? नहीं दोस्त, बस यही तो नहीं आएगा, यही तो सीखना है आपको। तो कुछ अगर वैसे ही सिंपल ही बन जाता अगर इतना सिंपल होता, यही सीखना है सर। यहाँ पर सेल वर्ड का खर्चे वर्ड का यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होता है ब्रैकेट में लिखते हैं सेल, खर्चा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब जब मैं सेल करूंगा, जब बताओ जब मैंने खर्चा करा था तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट बढ़ गया था कम हो गया था? बैंक अकाउंट कम हो गया था। और जब मैं सेल करूंगा तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर आएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, किस आएगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट आएगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे हाँ सेल की वजह से बैंक बढ़ा है,
और उसको ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस पोस्टिंग में, यहाँ पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू ज्वाइंट वेंचर, टू ज्वाइंट वेंचर, और बैकग्राउंड में देंगे सर सेल, बैकग्राउंड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कितने की सेल कर दी? 4 लाख रुपए की, और 4 लाख की सेल तो कर दी है तो बाहर मार्केट में भेजा 4 लाख रुपए का। उसके बाद सर कुछ चीज तो अमित भी तो ले गया था, आदित्य भी तो ले गया था, हम उसको भी इनकम मानेंगे। अच्छा, जब उसने हमें दिया था तो खर्चा माना था, अब वो बोले आगे तो हम इनकम माने, हम भी काट लेंगे उसके भी कैपिटल जो उतना लायबिलिटी जनरेट हो रही है। देखो मैं सिखाऊंगा अभी, मैंने कहा यहाँ पर कितना हो गया टेक ओवर, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अमित का ले गया 30,000 का मटेरियल ले गया, मेरी इनकम है। क्यों इनकम? क्योंकि अमित ले जाए चाहे बाहर ले जाए, बात तो एक ही है, पैसा तो मेरे पास आएगा ही, और 10,000 का ये ले गया। लो भाई, अच्छा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है आदित्य और अमित, तो आदित्य और अमित के अंदर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और किस नाम से? ज्वाइंट वेंचर से। मैंने यहाँ लिखा आदित्य और यहाँ लिखा टू ज्वाइंट वेंचर, जे भी लिख रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 30,000 का, आदित्य के इसमें 30,000 आएगा, और इसको हम टू ज्वाइंट वेंचर लिख देंगे अकाउंट, और इसके अंदर आएगा 10,000। अब मैं क्या कहूंगा? अब सिंपल ये कहूंगा भाई, देखो सर अब मेरी ट्रांजेक्शन खत्म होगी, सब कुछ खत्म कर दिया, और कुछ होता ही नहीं, और कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया अकाउंटिंग, यही करना था इसके अंदर, बस यही करना था दोस्तों, खत्म। अब देखो सुनो, इसके बाद क्या होगा तुमने ध्यान से। सबसे पहले अमित का अकाउंट क्लोज करता हूँ। मैंने कहा अमित भैया आपको ना हमें 1.5 लाख तो देना था ये, तो एक मिनट को पहले तो प्रॉफिट तो ट्रांसफर होगा, चलो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा मेरे भाई, ये प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, हमें इक्वली बांटना था ना, पता नहीं है ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले 4,30,000 और 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000, और यहाँ लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आदित्य और अमित, याद आ रहा है पार्टनरशिप अगर किसी ने पढ़ी है। लो भाई, इसका टोटल कर देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमित और अमित के आदित्य अकाउंट में, ठीक है। चलो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल आया ना दोस्तों, वो प्रॉफिट में लिख देता हूँ 64,000, 1,28,000 रुपये नेट प्रॉफिट आया। अब मुझे बताओ एक चीज बता दो बस, जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर आदित्य और अमित क्या हो रहे हैं? डेबिट। और आदित्य और अमित के अकाउंट में जॉइंट वेंचर क्या हो? क्रेडिट। किस नाम से? भाई खत्म हो गया क्वेश्चन सर, भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखूंगा और लिखूंगा प्रॉफिट शेयर, उसका हिस्से का प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना था उसका? 64,000। और अच्छे आदित्य को भी मिलेगा, देना बताओ बिजनेस को देना या नहीं देना? समझो पार्टनरशिप चल रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट और आदित्य अमित को देना है, ये हो गया प्रॉफिट। इसका हिस्से का प्रॉफिट कितना है? 64,000। मतलब ये प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया, क्या बिजनेस अपनी जेब में रखा? क्या जेब है? तो बिल्डिंग है, हम तो बिल्डिंग है भाई, हमें क्या करना है? ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है। किसको देना है? अमित और अमित, जो पार्टनर है, जो बिजनेस के को वेंचर है, उनको देंगे। अब मैं बताऊँ, अब मैंने कहा कि सिंपली मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से, 1,50,000 रुपए जो तूने मेरे, मैंने अमित से बात करी पहले, अमित को पकड़ लिया हम दोनों ने, हम बिजनेस है, हमने कहा अमित भाई आजा हिसाब कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अमित भाई बताओ पहले कितना दिया? तूने कहा भाई 1,50,000 रुपए दिया था, 15,000 के खर्चे भी हुए थे और 64,000 का तुझे प्रॉफिट देना है मुझे। मैंने कहा ठीक है, टोटल देखो पैसा देना 2,29,000, 2,29,000। मैंने कहा अमित भाई देखो याद करो, आपने 10,000 का सामान भी खरीदा तो 2,29,000 दूंगा, काट लूंगा पैसा, कट गया ना, अब तो कितने दूंगा? सिर्फ 2,29,000 दूंगा। आई बात सुनने या नहीं आई बता दो सर, 2,29,000 दूंगा और इसको मैं शो करूंगा। और ये कैसे दूंगा पैसा? पैसे दे दूंगा ना 2,29,000, जब बिजनेस ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा दे दूंगा उसको, जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा। कैसे पेमेंट कर दूंगा? जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा, दूंगा खत्म, और दूंगा क्लोज, अकाउंट क्लोज। 2,29,000 टोटल देने थे, 10,000 मेरे से ले गया था। मैंने कहा अमित भाई 2,29,000 मुझे टोटल आपको देने, एक तो 1,50,000 जो आपने कैपिटल लगाई थी वो देना है, उसके बाद से 15,000 जो आपके पास जॉइंट वेंचर था वो देना है, और सॉरी 15,000 जो आपने वो कुछ लगाया था मटेरियल लगाया था वो देना है, और प्रॉफिट मार्ज 64,000 वो देना, टोटल बनता है 2,29,000। मैंने कहा ठीक है 10,000 मैं काट लेता हूँ, 10,000 काटने के बाद, उसके बाद 10,000 काटने के बाद जो मैं बाकी रिमेनिंग है वो अमाउंट पे कर देता हूँ, 2,29,000 खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कैसे पेमेंट करूंगा? जॉइंट बैंक से। दोस्तों यहाँ पर अकाउंट क्लोज कौन था? बैलेंस नहीं छोड़ते, यहाँ पर जैसे बैलेंस नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है, अकाउंट को पूरा क्लोज करते हुए, क्योंकि पेमेंट होगी ना, बिजनेस खत्म हो गया, गणेश वाला त्यौहार फेस्टिवल खत्म, तो बिजनेस खत्म, तो पैसा वैसा जो मिलता है भाई, उसने 2,29,000 कमा लिया, ठीक है ओके। अच्छा 2,19,000 कमाया, मतलब इस बिजनेस में कितना कमाया प्रॉफिट? 64,000 रुपए। उसने अपनी कैपिटल ले ली वापसी, उसने अपना 15,000 का वो ले लिया जो मटेरियल लगाया था, 10,000 का मटेरियल ले गया था, डिडक्ट कर लिया और 64,000 का प्रॉफिट 2,29,000 कमा लिया। अभी 2,29,000 कमा लिया, इसका भी हिसाब कर लेता हूँ। मैंने कहा आजा बेटा तेरा भी हिसाब कर लेते हैं। मैंने कहा टोटल तो ये देना 2,89,000, 2,00,000 तूने कैपिटल लगाया, 25,000 का मटेरियल लगाया और 64,000 का कैपिटल। मैंने कहा ठीक है, 30,000 का याद का सामान ले गया था। मैंने कहा हाँ याद आ रहा है,
है, जो रिमेनिंग है वो पेमेंट कर देते हैं। ओके, मेरे पास ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, याद आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट कर देंगे इसको। बताओ सर, कहीं पर बताओ अकाउंट को कर देंगे क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग लिख लो या क्लोज लो, और जो उसका टोटल अमाउंट आएगा 2,59,000 आएगा, मतलब इसको कितने पैसे दे 2,00,000। अब सुनो, जब मैंने आदित्य और अमित को पैसे दिए तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, और कम करने के लिए मुझे बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, सही आपको आ रहा है, लॉजिक आ रहा है। और जो मैं क्या करूंगा, मैंने अमित को दे दिया, आदित्य को दे दिया, आदित्य को दिया ना, देखो ना यार, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य अकाउंट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आदित्य क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 2,59,000 से 2,59,000 से, और अमित कितना हो जाएगा, अमित भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसको पैसे देना है, और जो पैसे दे देंगे तो खत्म कहानी कर देंगे इनकी, 2,19,000 टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट अगर आपका बराबर नहीं आया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट अगर आपका बराबर नहीं आया ना मेरे दोस्त, उस केस के अंदर ये समझ लेना आपने गलती कर दी। अच्छा, ऊपर मैंने क्या लिखवाया, ऊपर सबसे ऊपर लिखवाया मैंने कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट का जो रिजल्टिंग होगा, नेट रिजल्ट होगा, वो बैलेंस बीडी बच जाएगा। बैलेंस बीडी तब बचता है दोस्तों जब आप कुछ पैसा नहीं ले जा रहे, आप फर्दर अगर बिजनेस करना चाहते हो, वरना इसका करेंगे नेट रिजल्ट, यहाँ पर लिख दो आप, इसको हटा के ना, इसको नेट ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लो आप कि अकाउंट क्लोज्ड, बैलेंस ही बचता है, बैलेंस तब बचता है, मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस तब बचता है जब आप फर्दर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हो, अभी बंद नहीं हुआ तो वो छोड़ देते हैं बैलेंस को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जब बिजनेस बंद हो गया, यहाँ करने फेस्टिवल खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गया, बात समझ में। ज्वाइंट अकाउंट अकाउंट बराबर आएगा 100%, और जब भी बराबर आएगा देखो अकाउंट सारे क्लोज हो गए, मुझे बता दो सर, समझ नहीं आया तो बताओ। सबसे पहले एक एक करके डाला है, आगे मैं इसके व्यापार और क्वेश्चन कराऊंगा, पहले और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इतना, अब इस क्वेश्चन को एक बार और करो अपने हिसाब से, इस क्वेश्चन को एक बार और करो, और सर बैंक अकाउंट का जो टोटल आएगा वो 7,50,000, 2,00,000+2,00,000, 3,50,000, और 3,50,000, और 4,00,000, 7,50,000 यहाँ पर आएगा दोस्त, 7,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर आएगा दोस्तों, 100%, हाँ बराबर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या आएगा दोस्तों, ज्वाइंट वेंचर में बराबर आएगा, इससे बाद चलेगा बैलेंस शीट, एक तरीके बैंक अकाउंट क्या बन गया, हमारी बैलेंस शीट बन गया, क्यों, क्योंकि सर इसी से पता चलेगा कि हमने अकाउंट सही कराया नहीं करा, अगर बराबर नहीं आया तो गलती, बस ये एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर बैलेंस सीधी पार्टनरशिप की तरह यहाँ बैलेंस सीधी बीडी नहीं बनता, यहाँ पर बैंक से पेमेंट हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है दोस्तों, क्लियर है या नहीं है। आई क्लास के अंदर मैं पहले और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जाके फर्दर पॉइंट बढ़ूंगा। हाँ, स्टेप नंबर वन, जो मेथड नंबर वन था ना, सेपरेट बुक्स अकाउंट खत्म हो गया सर, ये करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, फर्म की बुक के अंदर हम सारे अकाउंट ओपन कर देते हैं, फर्म की बुक बनाते हैं, फर्म की ना तो वो वेंचर बनाएगा, अपनी बुक बना वो बनाएगा, फर्म की बुक बनेगी, फर्म में ही जॉइंट वेंचर, फर्म में ही जॉइंट बैंक अकाउंट, और फर्म में ही दोनों अकाउंट बनाएगा, जो कि कर देगा काम, काम कर देगा, पेमेंट वगैरह कर देगा, ठीक है भाई। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी बेस पर पहले तो जनरल एंट्री सिखाऊंगा, फिर और क्वेश्चन, फिर जाके नेक्स्ट में पढ़ूंगा, ठीक है भाई। आज क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।